अब से 7 दशक पूर्व की बात है। बंगाली बाबा ने अपने शिष्य छात्र युवा साधु स्वामी राम से कहा, मेरे बेटे तुम दार्जिलिंग चले जाओ। वहां नगर के बाहर एक जलस्रोत है तथा उसके किनारे शमशान भूमि है। चाहे जैसी परिस्थिति में तुम्हें रहना पड़े, वहां स्थिर रहकर 41 दिन की एक साधना करो। मन चाहे जितना विचलित हो, तुम उस स्थान को मत छोड़ना। स्वामी राम वहां गए। विश्वविद्यालय से प्राप्त ग्रीष्मावकाश के समय को गुरु उपदिष्ट साधना में लगा दिया। वहां वे घास फूस की एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं आग जलाकर भोजन बनाते और साधना करते। उन्होंने 39 दिन तक अभ्यास किया। तब तक उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई। मन उचट गया। आग को बुझाकर कुटिया को उजाड़कर अभ्यास त्याग कर रात्रि में ही नगर की ओर चल पड़े। नगर के मुख्य मार्ग से होकर जा रहे थे, तभी संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गायन का प्रसंग चल रहा था। जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। गायिका ने यह पद्यांश कई बार दोहराया। तबले की धिक धिक ध्वनि से उन्हें लगा कि वह उन्हें धिक्कार रहा है। वे आगे ना बढ़े, रुक गए और पीछे लौट पड़े। शेष साधना को पूरा करने के लिए 41 में से 39 दिन बीते हैं। अभी 2 दिन बाकी है। जब साधना के 41 दिन पूरे हुए तो उन्हें अनुभूति हुई। वे कृत्य कृत्य हुए। अब वे नगर की ओर लौटकर उस गायिका के घर गए। वह नगर की अति सुंदर प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोगों की दृष्टि में वह एक वैश्या थी। उस सुंदरी ने एक युवा साधु को अपने घर आते देखा तो चिल्लाकर बोली, यहां मत आइए, यह स्थान आपकी योग्य नहीं है। मना करने पर भी स्वामी राम उसकी ओर आगे बढ़ते गए। उसने द्वार बंद कर लिया और हृष्ट पुष्ट अपने सेवकों को रोकने को कहा। सेवक ने जब जाने नहीं दिया तो स्वामी राम ने कहा, नहीं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। वे मेरी मां के सदृश हैं। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने अपने गीत से मुझे प्रबुद्ध कर दिया, अन्यथा मैं अपनी साधना पूर्ण न कर पाता। साधना पूर्ण न कर सकने पर मैं पूरे जीवन भर पश्चाताप ही करता। जब उसने यह सुना तो अपना द्वार खोल दिया। तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में आप मेरी मां के सदृश हैं। स्वामी राम ने उस सुंदरी से पूरी घटना बताई। वह बंगाली बाबा के नाम से परिचित थी। दोनों की परस्पर कुछ देर तक वार्ता होती रही। स्वामी राम जब वहां से चलने लगे तो उसने कहा, मैं वचन देती हूं कि आज से मैं आपकी मां के समान ही जीवन यापन करूंगी। मैं यह सिद्ध कर दिखाऊंगी कि मैं न केवल आपके लिए अपितु बहुतों के लिए मां के सदृश होंगी। आपने मुझे जागृत कर दिया। दूसरे दिन वह सुंदरी ज्ञान की नगरी बनारस के लिए प्रस्थान कर गई। वहां पहुंचकर वह गंगा जी में एक नौका पर रहने लगी। सायंकाल वह गंगा की रेती में जाकर भगवान का भजन और कीर्तन करती। हजारों लोग आकर उसके साथ कीर्तन में भाग लेते। उसने अपनी नौका पर लिख रखा था, मेरे प्रति साधु का भ्रम ना करें। मैं एक वैश्या थी, कृपया मेरा चरण स्पर्श ना करें। वह ना तो किसी पर साक्षात दृष्टिपात करती थी और ना किसी से बात ही करती थी। यदि कोई पूछता कि आपको कुछ चाहिए, आपके लिए क्या मैं कुछ ला सकता हूं, तो वह उत्तर देती, राम। एक दिन लगभग 5-6 हजार लोगों के विशाल जन समूह में उसने घोषणा की, मैं प्रातःकाल यहां से विदा हो रही हूं, कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दे ताकि मछलियां आदि इसका उपयोग कर ले। इसके बाद वह मौन हो गई। दूसरे दिन उस सुंदरी देवी ने योग बल से अपना शरीर त्याग कर दिया। काल ने उसको एक रूप लावण्यमती वैश्या से सिद्ध योगिनी बना दिया। यह है काल का खेल।